बॉर्डर पर 10वें दिन भी नहीं रुकी पाकिस्तान की गोलीबारी। बीती रात हुई फायरिंग में 20 नागरिक घायल। कठुआ में एक की मौत। नाइट विजन तकनीक को धोखा दे रहे हैं पाक रेंजर्स। कर्नाटक की गद्दी पर कुमार स्वामी की ताजपोशी। आज कांग्रेस नेता जी परमेश्वर बनेंगे डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण में सोनिया राहुल समेत तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा। यूपी में उलझी बीजेपी विधायकों को धमकी की पहेली। इंटरनेशनल नंबर से आए फोन और व्हाट्सएप मैसेजेस। अब तक 10 विधायकों ने की शिकायत। साइबर सेल ने शुरू की जांच। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। लगातार 10वें दिन भी दामों में बढ़ोतरी। चिदंबरम का ट्वीट। 25 रुपए तक घटाए जा सकते हैं दाम, लेकिन सरकार घटाएगी नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग। राजधानी में मंगलवार को 46 डिग्री तक पहुंचा पारा। फिलहाल राहत के आसार नहीं। केरल में निपाह वायरस से 11 मौत के बाद हड़कंप। इलाज कर रही नर्स ने भी गंवाई जान। केंद्र और राज्य की टीमों ने संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र में भी बचाव के लिए विशेष इंतजाम।